मेरे साथ लेडी, मेरे साथ ही भूमि पेडनेकर मैं कहूँ तो इस साल बॉक्स ऑफिस पर वो जो है साल की शुरुआत से छाई हुई है, मतलब लगातार चार फिल्में मुझे लगता है इस साल आपके रिलीज होंगी, बाला और उसके बाद पति पत्नी। मुझे ये बताइए कि ब्रेक भी लेती है या सिर्फ काम पर काम काम पर काम? जी सच बताऊं तो पिछले दो साल से सिर्फ काम पर काम हो रहा है। पिछले डेढ़ साल में लास्ट सितंबर शूट करना शुरू किया था, तब से लेके अब तक सात ही फिल्में मिली और बहुत मज़ा आ रहा है कि मेरे करियर का बहुत ही अच्छा फेज़ है, शुरुआत हुई है। जो एक कहते हैं ना एक स्पीड जो आपका करियर पकड़ता है वो अब हुआ है वो शुरुआत, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छे अच्छे किरदार कर रही हूँ, हर बार खुद को चैलेंज करती हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अभी शुरुआत हुई है, मैं बता दूँ कि जैसी शुरुआत हुई ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकली और दौड़ती जा रही है, कहीं रुकेगी। एक्सपेरिमेंट की जो आपने बात की, मतलब मुझे पहली फिल्म से लगा था कि कौन सी हीरोइन चाहेगी कि थोड़ा मोटा हो जाए, फिर मैंने देखा कि आपने अभी आप बूढ़ी हो गई और जो लोगों को पसंद आया आपका किरदार जो है राउंड फेस में बोलूँगी, तो कुछ ना कुछ नया मुझे लगता है कि आप ऐसी भी स्क्रिप्ट की तलाश में रहती हैं जो आपको चैलेंज करेगी। जी बिल्कुल, और अगर मैं बाला की बात करूँ, जो लड़की है जो किरदार मैं प्ले कर रही हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत सादी लड़की है ये, लेकिन वो उसका डेफिनेशन नहीं हो सकता। वो लड़की एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, इंडिपेंडेंट है, एक लॉयर है, एक बहुत अच्छी डॉटर है, एक सेंसिटिव लड़की है, इमोशनल लड़की है, एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न लड़की है, लेकिन दुनिया के हिसाब से उसमें एक कमी है, वो है उसका रंग, और वो यही कमी को पूरी फिल्म में बैटल करती है और बहुत ही मज़ेदार इजी क्वर्की एंटरटेनिंग वे में अमर सर ने कहानी लिखी है और बनाई है, और आयुष्मान की खुद के बैटल्स हैं और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। और क्या होता है फिल्म में, ज़्यादा ट्रेलर में दिखाया नहीं है, मेरा किरदार ज़्यादा खोला नहीं है, बस टोपी उड़ा दिया है। जी जी जी, एक रीज़न है जब फिल्म शुरू हुई तब आई थिंक ज़्यादा समझ पाएंगे। फिर आप ये मानती हैं हमारी सोसाइटी में लोगों को अक्सर देखकर ही जज कर लिया जाता है, जो जैसा देखता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है अंग्रेजी में, दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एंड हम हमेशा वही करते हैं, आप किसी का पहनावा देख लीजिए, इतने बार जिस प्रकार से लोग कोई भाषा कहते हैं उस पर जजमेंट पास हो जाती है, और यही चीज़ें तो बदलनी है। आप अपने, अगर मैं बात करूँ तो पार्टनर में, मतलब आप किसी को भी जज कैसे करती हैं, अगर आप चाहेंगी तो, मतलब फर्स्ट लुक में कोई पसंद आ जाते हैं तो कभी देखना हो तो किस चीज़ों से जज करती हैं? यार मैं पर्सनालिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, मुझे मोटा पतला नाटा लंबा इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, एक पर्सनालिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, तो मैं उसी इंसान से अट्रैक्ट होंगी जो इक्वली कॉन्फिडेंट हो। सो आई थिंक वो मेरे लिए फर्स्ट चीज़ है जो मैं नोटिस इम्प्रेस करूँ। जी आयुष्मान के साथ आप ये तीसरी फिल्म जी, कितने बदले हुए बदल चुकी हैं आयुष्मान, आपको लगता है कि इंसान तो सेम ही है? आई थिंक बता एज एन एक्टर मुझे लगता है हर फिल्म के साथ वो बेटर होते जा रहा है, क्योंकि बहुत ही सिमिलर जर्नीज पे हम, आयुष्मान भी बहुत अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है देख कर कि यू नो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, हमेशा स्पेशल रहेगा कि उसके साथ जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं पिछले डेढ़ साल में स्पेशली, एक पर्सनल विक्ट्री सी फील होती है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और इंसान सेम है बस और बेटर एक्टर बन गया। आप बोलो कि नॉर्मल पेयरिंग में कब देखेंगे? नॉर्मल पेयरिंग एकदम लव स्टोरी में लगे, एक किसी बात होती ना हो उसमें भी, जब आपकी सारी लव स्टोरीज ही थी, लेकिन जब दूसरी फिल्म में था तब उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तीसरी के सारी लव स्टोरीज लगी थी कि हर लव स्टोरी में प्रॉब्लम तो होती है। आप मुझे एक लव स्टोरी बता दीजिए, हमारी न्यू एज प्रॉब्लम्स है, पहले की लव स्टोरी में माता पिता शादी नहीं होने देते थे इस वजह से उनकी लव स्टोरी नहीं होती थी, यहाँ पे अलग ट्विस्ट है क्योंकि ये मॉडर्न लव स्टोरी है। तो इनफैक्ट हमारी मैंने आयुष्मान ने सिर्फ लव स्टोरीज करी है, यू नो हमने ये फर्स्ट टाइम है कि हम शायद तब कि नहीं कह सकती मैं, बट इन अ वेरी टिपिकल वे रोमांटिकली ऑपोजिट ना हो ही जाता, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन द फिल्म, और बहुत ही टॉम एंड जेरी वाली रिलेशनशिप है। लेकिन हाँ आई होप कि इसके बाद हम जब रिकोलैबरेट करें प्योरेस्ट एक यू नो ऐसे संजय सर टाइप की फिल्म के लिए, जो एकदम प्योर लेजेंडरी एकदम कोई ऐसे वो रूह को छू जाने वाली वाला प्रेम वो वैसा कुछ करें। चलते चलते मैं जानना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में जब आप आई तब तब भी कॉम्पिटिशन बहुत था, अभी भी बहुत है,
बहुत सारी हीरोइनें बोलती हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिलती है, मतलब जिसमें पावरफुल रोल हो, तो आपको लगता है कि ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप किस तरह का चाहती हैं यहाँ पे काम हर तरह का? देखिए नहीं, ऐसे इतना आसान नहीं होता, हर तरीके का काम हर इंसान को मिलता नहीं है, यू नो. कुछ लोग लकी हो जाते हैं, जैसे जिनको करियर के स्टार्ट में बहुत चॉइस मिल जाती है, कुछ लोगों को काफ़ी साल मिल जाते हैं. और ये कहना बहुत ही रॉन्ग होगा कि आप जिस प्रकार की फिल्में चूज़ करती हैं, नहीं, हर एक्टर के लिए एट दिस पॉइंट, अगर मैं कोई फिल्में चूज़ कर रही हूँ, मैं जो भी बेस्ट मेरे पास आ रहा है उसमें से जो भी मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट है, मैं चूज़ कर रही हूँ. पर एक कहीं डर लगता है कि मुझे जहाँ बाकी हीरोइनें मासी ही नाच गाना पेड़ों के बीच, मतलब ऐसी फिल्में चूज़ करती हैं, तो मुझे उस ट्रैक पे जाना है, बहुत क्लियर है माइंड में. मुझे कमर्शियल फिल्म की परिभाषा बहुत बदल गई है मैम. आप आयुष्मान का ही ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसकी सारी फिल्में ऑडियंस बदल गई है, इसलिए 100% अब 100 करोड़ करने लगी है, तो आपकी वो फॉर्मूला फिल्म्स भी है जो उतने पैसे कमाती है, एक कंटेंट फिल्म भी उतने पैसे कमाती है. सो आई पर्सनली रादर डू अ कंटेंट फिल्म, ओके. कमर्शियल फिल्मों का भी वो फॉर्मूला वाली फिल्में चलती नहीं है, तो आपकी चॉइस यही है. तो चलिए उनसे बात करिए, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आप सफलता से. थैंक यू.